एक मुझको तू कर नहीं जाता। बीज मंत्र। बीज मंत्र संगीत से कैसे रिलेटेड हैं इस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी ने ये चीज़ हमें सिखाई है, बताई है आप सभी को भी और हमें भी, कि कैसे बीज मंत्रों का रियाज संगीत में हम अगर करें तो हमारी साधना में चार चांद लग जाते हैं, हमारी साधना और गहरी और बहुत डीप हो जाती है और उसका असर जो है हमारे स्वरों पर गहरा होता है और बड़ा ही ईश्वरत्व जो है वो हमारे स्वरों में कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि वो जो सारे बीज मंत्र हैं उनका रिलेशन ईश्वर से भी है, योग साधना से भी है, हमारे शरीर में जो सात चक्र हैं उनसे भी है। तो उन्हीं पर एक थोड़ी सी और रिसर्च मेरे पिताजी ने ही की है और उस पर मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्वर से ईश्वर तक हम जा सकते हैं। ये टाइटल उन्होंने दिया है कि स्वर से ईश्वर तक, है ना। तो कैसे कैसे हर चक्र का एक ईश्वर से संबंध है और कैसे कैसे उसमें भाव हैं, अगर उनको ध्यान रख के उनका रियाज किया जाए तो देखिए उसकी बात ही कुछ और होगी। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे हम बीज मंत्र का रियाज भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। कोमल गंधार योर रियाज पार्टनर, एक बेहतरीन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप घर बैठे रियाज कर सकते हैं और बेहतरीन संगीत सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो, जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो। मैं पयंबर तो नहीं, मेरा कहा कैसे हो, जो शजर सूख जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्यों माने, जिसको जाना ही नहीं उसको खुदा क्यों माने, और जिसे जान चुके हैं वो खुदा कैसे हो। मैं पयंबर तो नहीं, मेरा कहा कैसे हो, जो शजर सूख। शहजाद अहमद साहब की बहुत ही खूबसूरत गजल है और परवेज़ मेहदी साहब की गाई हुई है। तो आइए फिर से बात करते हैं उसी टॉपिक पर जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, कि कैसे बीज मंत्र का ईश्वर से संबंध है और कैसे उन्हें हम जब रियाज करते हैं अपने सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त के भैरव थाट के रियाज में, तो कैसे वो हमारे अंदर एक योग, एक साधना की जो एक भावना है उसको जगाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सात बीज मंत्र होते हैं और साथ ही हमारे शरीर में चक्र हैं। बीज मंत्रों के नाम आप सभी जानते हैं कि लम, वम, रम, यम, हम, शम और ओम है ना। क्योंकि आप बीज मंत्र अगर ऑलरेडी रियाज में करते हैं तो आपको पता होगा, बीज मंत्र से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सारे ग म प ध नी से ये कैसे रिलेटेड हैं तो उन्हें हम जाने कि जिस ऑर्डर में ये हैं, लम, वम, रम, यम, हम, शम, ओम, उसी ऑर्डर में इनके स्वर भी हैं, सा रे ग म प ध नी, है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लम जो है हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है बिल्कुल, उस हड्डी को हम लम का चक्र मानते हैं, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वही हमारे शरीर का मूल आधार है तो इसीलिए मूलाधार। फिर हमारा जो स्वाधिष्ठान है उससे अगर हम ऊपर आते हैं, जो कमर की हड्डी है, कमर जो है वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। फिर नाभि पे हमारा तीसरा चक्र है जिसे हम नाभि चक्र भी कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं। फिर ये जो हृदय अनहद है जहाँ हमारा जो रिब केज है
वो जहाँ बीच में जो एंड होता है उसे हम हृदय अनहद भी कहते हैं। फिर हमारा ये जो चक्र है, जो हमारा कंठ जहाँ एंड होता है, जो गड्ढा है हल्का सा, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। फिर हम आते हैं हमारे फोरहेड पे, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ शम का निवास है। फिर हमारा ये जहाँ जो सर है उसकी जो एकदम बीच वाला हिस्सा है, जहाँ जिसको कहते हैं, जहाँ जो छोटे बच्चे का बड़ा ही कोमल सा होता है, जिसे हम कहते हैं सहस्रार चक्र। तो ये हमारे 7 चक्र हैं। अब इन पे ईश्वर का कैसे कैसे निवास है, ये मैं आपको बता दूं तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी है। तो सहज योग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसकी एक तस्वीर भी आपको अगर अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही हो, तो सहज योग के अंतर्गत इन लोगों ने ये थोड़ी सी रिसर्च करी है, तो मैं उसी को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो उन्होंने ही ये चीज़ बताई है कि जो लंबोदर है हमारे, यानी जो गणेश हैं, उनका निवास जो है वो हमारे मूलाधार चक्र पे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे लंब और लंबोदर जो है ये मैच कर रहा है, गणेश का वहाँ निवास है। तो जब भी आप लंब की साधना करें, सा का निवास जहाँ है वहाँ की साधना करें, तो लंबोदर को याद करें आप। और उनमें जो भाव है वो इनोसेंस का भाव है, विजडम का भाव है, यानी मासूमियत का, अबोधता का भाव है, बुद्धिमता का भाव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो गणेश है वो बुद्धि के देवता हैं। तो जब आप रियाज करते हैं तो उस चीज़ का अगर आप जहन में रखें, माइंड में रखें, तो बहुत अच्छा असर होगा। फिर आते हैं हम वम पर, जो रे का रियाज है वो स्वाधिष्ठान पर है, और वहाँ पे सरस्वती माता का जो है निवास है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वम है, तो सरस्वती का एक नाम वाकदेवी भी है, वाकम भी है, और वाम भी है। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे मैच भी कर रहा है। फिर वहाँ पे जो इमोशन है वो क्रिएटिविटी का है, और हम सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती रचनात्मक शक्ति, सृजनशीलता, इसकी देवी है, क्रिएटिविटी की देवी है। ठीक है, फिर आते हैं हम रम पर, जो कि हमारा ग है, यानी नाभि चक्र। जब उसका रियाज करते हैं तब हमें हमारे लक्ष्मी, विष्णु, इनका ध्यान करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, जो कि रम हमारा बीज मंत्र है, उससे रिलेटेड आप देख पा रहे हैं। विष्णु को रमेश कहते हैं, रमा के जो ईश्वर हैं, जिन्हें हम रम से रिलेट कर सकते हैं। और वहाँ जो भाव है वो हमारा जेनरोसिटी का, इवोल्यूशन का भाव है, यानी उदारता का भाव, दानशीलता का, सज्जनता का, है ना। ये तो हो गया हमारा जेनरोसिटी। अब इवोल्यूशन यानी कि विकास, क्रमागत उन्नति जिसे हम कहते हैं। तो ये भाव हैं, मन में रखेंगे तो अच्छा रहेगा रियाज करते समय। फिर आते हैं हम यम पर, जो कि हमारा हृदय अनहद है, जहाँ मध्यम का निवास है। वहाँ ईश्वर की अगर बात करें, देवता का निवास जो है वो दुर्गा का है, जगदम्बा का है, शिव पार्वती का है, सीता राम का है। तो दुर्गा का एक नाम यति भी है, युवती भी है, तो यम से कैसे ये रिलेटेड है आप देख सकते हैं। जब आप यहाँ का रियाज करते हैं तो मन में जो भाव होने चाहिए वो लव, कंपैशन का भाव होना चाहिए। लव यानी प्रेम, और कंपैशन यानी दया, सहानुभूति, हमदर्दी। फिर आते हैं हम विशुद्धि चक्र पे, जो कि ये चक्र है हमारे कंठ का, जहाँ पे हम का निवास है, पंचम का निवास है। वहाँ पे ईश्वर जो हैं, देवता जो हैं, वो राधा कृष्ण, यशोदा हैं, है ना। तो हम जैसे कि कहते हैं हरे कृष्णा, हरम, है ना, हरि, जो कि हम से रिलेटेड है, तो हमारी ये ईश्वर के नाम हैं। फिर यहाँ जो भाव है वो कलेक्टिविटी का भाव है, सम्मिलितता का भाव है, सामूहिकता का भाव है। फिर हम आते हैं हमारे अगले चक्र पे, जो ही आज्ञा चक्र है, जहाँ पे हम शम, जो हमारा बीज मंत्र है, वो बोलते हैं, और धैवत जो स्वर है उसका ध्यान करते हैं। तो यहाँ जो ईश्वर देवता निवास कर रहे हैं वो सहज योग के अनुसार जीसस और मरिया का निवास है, जहाँ की जो भाव है वो फॉरगिवनेस का भाव है, क्षमा का भाव है, माफ़ी का भाव है। तो उसको अगर आप साधें तो वो जो भाव है वो भी सधता है हमारा। फिर आते हैं हम आखिरी जो चक्र है हमारा, सहस्रार चक्र, जैसा कि मैंने बताया, जिस पे ओम बीज मंत्र है, और निषाद यानी कि नी का निवास है, जिस पे कल्कि देव का, देवता का हमारा निवास है। और जो भाव है वो एकीकरण का है, इंटीग्रेशन का है, यानी जब आप इसका रियाज करते हैं तो सब जो है एकाकरण हो जाता है, सारे भाव, सब आपकी एकाग्रता जो है यहीं आती है। और जब ये चक्र खुलता है तो फिर सीधा आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये एक मेडिटेटिव तरीका है, सहज योग की तरफ से है, मेरे पिताजी का एक थोड़ा सा रिसर्च है कि कैसे हम बीज मंत्र को संगीत में भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी झलक मैं आपको उसकी देता हूँ। भैरव थाट में जब आप रियाज करते हैं तो एक बीज मंत्र को हम कैसे रियाज कर सकते हैं, सारे गामा पा धा पा गा मा रे सा धा पा, गामा पा धा धा ने ने सा ने धा पा, मा पा धा मा पा गा मा रे सा। तो अलंकार जब हम करते हैं, पहले तो हम हर स्वर पे उस बीज मंत्र को, उसका उच्चारण, उसका जाप करते हैं, जैसे कि लम 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 लम, पूरी सांस में जितना हम बोल सकते हैं। फिर वम 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 वम, इस तरह से हम हर स्वर को बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे हम गति बनाने की इसमें कोशिश करते हैं।
लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 हम 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 शम 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 ओम 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 लम 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 ओम 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 शम 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 हम 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 यम 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 रम 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 वम 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 लम 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 लम। और इसी को अलंकारिक जो हम अगर रूप दे दें तो लम वम रम वम यम हम शम ओम लम वम रम यम हम शम ओम लम लम ओम शम हम यम रम वम लम। इसी के अगर हम अलंकार पलटे बनाएंगे तो आप इन्हीं अक्षरों को एक एक करके सारे गम पध निसा से रिप्लेस कर दीजिए, फिर वो सब आप आराम से बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकूं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मेरे पिताजी की रिसर्च है, थोड़ा सा कोशिश है कि योग को, साधना को, मेडिटेशन को संगीत से कैसे जोड़ा जाए। तो कोशिश कीजिए, आप भी रियाज कीजिए, इनकी साधना कीजिए, इनको माइंड पर रखते हुए फिर रियाज कीजिए, फिर देखिए चार चांद लगेंगे, साधना में और गहराई आती जाएगी। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ नया मैं लाता रहूंगा, कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हम रिसर्च करेंगे जो कुछ यूनिक हों। सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।